स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आपने जहाँ कीमतदार ज्ञान की खिड़की खोली है जो आपके व्यवसायिक बुद्धिमत्ता को उच्च स्तर पर लेकर जाएगी। आज हम खोल रहे हैं बिक्री के ये डायनामिक क्षेत्र 2024 के उम्मीद से भरा हुआ। हमारा व्यवहार 5 क्रियाशील व्यय है जो बिक्री को भड़काने के लिए उपयुक्त है, चाहे आप एक अनुभवी व्यापारी हो या एक नया आरम्भ कर रहे हो। ये टिप्स हकीकत में मजबूत है, असली दुनिया के सफल किस्से द्वारा पुष्टायुक्त है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सुझाव है अपने ग्राहकों को समझना। ये एक अहम पहलू है जो ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ये बस उन्हें पहचानने से ज्यादा है, ये उनके मानसिकता, उनकी इच्छाओं और उनकी जरूरत में गहराई से घुसना है। इसमें एजेंसी एनालिसिस और रिसर्च शामिल है जो मार्केट सर्वे से लेकर वन ऑन वन इंटरेक्शन तक हो सकती है। इसमें उनके जीवन शैली, उनकी आदतें, उनकी पसंद और नफरत भी शामिल है। ग्राहकों को समझना ये भी है कि उनकी खरीदारी शक्ति और उनकी उपभोक्ति पैटर्न्स क्या हैं। इसमें उनके भावनात्मक ट्रिगर्स और मोटिवेशंस को समझना भी शामिल है। ये क्या चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं, क्या उन्हें खरीदने पर मजबूर करती हैं और क्या उन्हें रोक देती है। इसमें उनकी अपेक्षाएं और उनके दर्द पॉइंट्स को समझना भी शामिल है। वो क्या चीजें एक उत्पाद या सेवा से चाहते हैं और वो किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं या उनका उपयोग करते हैं। ये समझना केवल महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये खेल बदलने वाला है। ये आपको अपने अप्रोच को व्यक्तिगत बनाने में, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अनुकूल बनाने में, आपके उत्पादों में नवीनता लाने में और आपकी सेवाओं को ऐसे रचने में मदद करता है जो आपके ग्राहकों के साथ मेल खाती है। ये आपको उनकी जरूरतों को पहचानना, मूल्य बनाने में और लंबे समय तक चले जाने वाले संबंधों को बनाने में मदद करता है। ये वो अंतर है जो एक प्रतिबद्ध बाजार में जीवित रहने और विकसित होने के बीच का है, एक नाम और ब्रांड के बीच का है, एक बेचने का और एक जीवन भर के ग्राहक बनाने के बीच का है। जितना आप अपने ग्राहकों की इच्छाओं के बारे में समझते हैं, उतना ही प्रभावित रूप से आप अपने उत्पादों और सेवाओं को उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लैट हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सुझाव की तरफ, जिसे हमें टेक्नोलॉजी का समर्थन कहते हैं। जैसे ही हम डिजिटल युग में और भी आगे बढ़ते हैं, अब जो है 2024 में ये साफ हो रहा है कि कितना प्रभावित होता है तकनीक व्यापार के दृष्टि चक्र पर। तकनीक ने एक लक्जरी होने से एक आवश्यक अंश बन जाता है लगभग हर उद्योग में, खासकर बिक्री में। नवी तकनीक के शक्ति का इस्तेमाल हमें डाटा के जे इंटरफेसेस में गहराई तक जाने में मदद करता है, जिसे अनैतिक दर्पण से छुपा हुआ मूल्य मिल सकता है। ये हमें अनावश्यक मात्रा में गहरे पैमाने पर ग्राहक व्यवहार को ट्रैक करने की अनुमति देता है, जिससे हम उनकी जरूरत और पसंद को बेहतर समझ सकते हैं। इस तरह से हम उनके साथ मेल खटिए हुई व्यक्तिगत मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और इसके अलावा तकनीक के द्वारा रूटीन क्रियाएं ऑटोमेट कर देना हमारे मैनुअल प्रयास को ही नहीं कम करती बल्कि कार्यालय में किसी भी भूल के मौके को भी खत्म करती है, इस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तकनीक को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने की क्षमता हमारी कार्यक्षमता और बिक्री को काफी बढ़ा सकती है। तीसरा सुझाव, हाई ट्रेनिंग और विकास। ये एक बिल्कुल आवश्यक फैक्टर है जो व्यापार की सफलता के लिए अहम है, चाहे व्यवसाय का कोई भी आकार या क्षेत्र हो। एक अच्छे तरह से प्रशिक्षित बिक्री टीम की शक्ति को देखते हुए ये एक ताकत है जो गौर किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा टीम है जो तैयार है और किसी भी बिक्री परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं से युक्त है। इसके अलावा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस प्रक्रिया में एक मूल्य भाग होते हैं। ये प्रोग्राम्स आपकी बिक्री टीम को उनके ज्ञान को नित्य अपडेट करने और उनकी कुशलताओं को सुधारने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। वे आज के प्रतिबद्ध बाजार में इस्तेमाल होने वाले नवी बिक्री तकनीकों और स्ट्रेटजीज के बारे में सीख सकते हैं और उन्हें उनकी व्यवसायिक विकास के लिए फायदेमंद इनसाइट्स और अनुभव प्राप्त हो सकता है। ये हमेशा उन्हें मुकाबले के आगे रखेगा। ए फ्लैट, चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना। हैरत अंगेज है, ग्राहक सेवा एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ कुछ लोग समझाते हैं कि समस्याओं का समाधान करना है। ये उनके साथ एक अनुभव बढ़ने की कहानी है। इसमें उन्हें सुनना, उनकी जरूरतों को समझना और उनकी अपेक्षाएं परिपूर्ण करने से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत में ग्राहक सेवा वो पूरा प्रोसेस है जिसका शुरुआत तब होती है जब एक ग्राहक आपके व्यवसाय से संपर्क में आता है और जिसका एंड तब होता है जब वह चला जाता है और शायद उसके बाद भी। इसमें यह है कि आप अपने ग्राहकों के साथ आदर, मर्यादा और असली चिंता से व्यवहार करते हैं। इसमें समय पर और प्रभावी समाधान प्रदान करना, खुला संचार बनाए रखना और एक सकारात्मक और मित्रवत भावना को बरकरार रखना शामिल है। एक व्यवसाय के रूप में आपका अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप एक साधारण लेन देन को यादगार वार्ता में परिवर्तित करें।
इस तरह से आप अपने ग्राहकों को सिर्फ मूल्य देने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण और समझा जाएगा। आप उन्हें महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करवाते हैं। इस उपाय से आपके ग्राहक संतुष्ट नहीं सिर्फ लौटते हैं बल्कि आपके ब्रांड के ड्यूड बंदर बन जाते हैं, अपने व्यवसाय को और ग्राहकों को रिफर करते हैं। जब ग्राहक महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करते हैं तो वे दोबारा आने के अधिक संभव हैं और दूसरे को भी आपके व्यवसाय की तरफ रेफर करने में रुचि दिखा सकते हैं। एंड में हमारा पांचवा सुझाव है अनुकूल बनाएं और नवी बनाएं। इस हमेशा बदलते व्यवसायिक दुनिया में वाल लोग जो सिर्फ कुक करने में नहीं बल्कि अनुकूल बनने में सक्षम है, विकसित होते हैं और नवी संधानों को स्थल पर लाते हैं, वे हमेशा कोर पर बने रहते हैं। तकनीक, संस्कृति और बाजार की तेजी से बदलने के दौर में बदलने की क्षमता को स्वीकार करना, नए तरीकों को अपनाना और ताज़ा स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। अनुकूल बनाने का अर्थ है कि उद्योग के परिवर्तन को पहचानना, समझना और फिर उन स्ट्रेटजीज को लागू करना जो इन बदलावों का लाभ उठती हैं। इसमें एक खुला दिमाग, अपने सुखद जोन के बाहर कदम बढ़ने की इच्छा और नित्य सीखने का संकल्प शामिल है। वार्तालाप में नवीन का अर्थ है कि नए विचारों या उत्पादों को रचने और लाने में है जो बेहतर स्ट्रेटजीज, सुधरी उत्पादकता और बढ़ने वाले लाभ में रिजल्ट करता है। इसमें बॉक्स के बाहर सोचने, स्थिति को चैलेंज करना और अलग होने की कोशिश करना शामिल है। दोनों अनुकूल बनाने और नवी बनाने का जब मिलते हैं तो वे आपको आपके कंपेटिटर्स से अलग रख सकते हैं, आपको एक बढ़िया फायदा दे सकते हैं एक तेज स्तर पर बढ़ने वाले बाजार में। वे आपके व्यवसाय की दृष्टि और प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं, नहीं केवल आपके बिक्री और ग्राहक बेस को ड्रामेटिक रूप से बढ़ा सकते हैं। एंड में याद रखें कि बदलने के लिए खुला रहना और नए स्ट्रेटजीज को ट्राई करने के लिए तैयार रहना आपको आपके कंपेटिटर्स से अलग रख सकता है और आपकी बिक्री को बढ़ा सकता है। सारांश में 2024 में बिक्री बढ़ने के लिए 5 अमूल्य सुझाव हैं: अपने ग्राहकों को समझना, तकनीक का समर्थन करना, ट्रेनिंग और विकास, उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करना और अनुकूल बनाएं और नवी बनाएं। ये अकेला खड़े नहीं है बल्कि सबसे अच्छे परिणामों के लिए एक साथ काम करते हैं। आज की बातचीत के लिए धन्यवाद। ये सुझाव आपकी बिक्री को आने वाले वर्ष में बढ़ने में मदद करने का मकसद रखते हैं। बिक्री में सफलता तुरंत नहीं होती, इसके लिए लगातार समर्पण, योजनाओं की विचार विधि और ग्राहकों के मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। ये सुझाव याद रखें जब आप 2024 के लिए तैयार होते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और बेचते रहिए। अगली बार तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।